मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में कार्यालय पर संत गणिनाथ जन्मोत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया गया। संत गणिनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष एवं मोहम्मदाबाद गोहना के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्त ने कहा कि संत गणिनाथ जी बिहार राज्य के पलवैया धाम के निवासी थे। बिहार सरकार ने पलवैया धाम को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया और वहां पर दर्शन के लिए अपार भीड़ होती है। वहां सभी समुदाय के लोग दर्शन करते हैं। व्यापार मंडल कार्यालय से जुलूस के रूप में संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में स्थापित मूर्ति पर नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना की अध्यक्ष इंदु देवी गुप्ता डायमंड के प्रतिनिधि व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक गुप्ता डायमंड ने माल्यार्पण कर दीप जलाया। दीपक गुप्ता ने कहा कि संत गणिनाथ जी मधेशिया कांदू वैश्य समाज से थे और बहुत पहुंचे हुए संत थे। इनको सभी समुदाय के लोग पूजते और मानते हैं। इस कार्यक्रम में ईश्वर दयाल, प्रदीप कुमार गुप्त, मनोज कुमार, संतोष कुमार, देशबंधु, राजकुमार गुप्त, सभासद शालू, जुगनू आदि लोग उपस्थित रहे। व्याम नारायण पांडे जी की यहाँ उपस्थित मनोज भैया और अभिमा चाचा जी के बंधु भैया वसुधा गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता, अशोक गुप्ता, संजीव गुप्ता, शालू गुप्ता, अमर गुप्ता, राजीव गुप्ता, अजय गुप्ता, संजीव गुप्ता और विक्रम गुप्ता, यहाँ उपस्थित सभी लोग का हाथ हमारे बने करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिसको इस पूजा अर्चन करना है कर ले और इसके बाद हम लोग एक जुलूस बनाकर यहाँ से निकलेंगे जो संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहुंचेगी और वहां पर जाकर जो स्थापित मूर्ति है उसे पूजा अर्चन किया जाएगा। और इसी के साथ में हम लोग जिसको भी पूजा करना है कर ले, हम लोग अभी तुरंत निकलेंगे जल्दी। हाँ, दो मिनट बाद निकलेगा।